Redmi K20 Pro, इस वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्यों मैंने Redmi K20 Pro को चूज़ किया। एक्चुअली ये 5 डेज पहले मैंने लिया था, तो एक्चुअली अभी आपको कंपटीशन में OnePlus Nord मिल रहा है जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो उससे जोड़ के 1 ईयर पुराना डिवाइस क्यों लिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे मैं एक्चुअली आपको पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ रीज़न। तो सबसे पहले जब मैंने डिवाइस को मेरे बॉक्स से निकाला ना, तो जो एक्चुअली जो आपको जो फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है ना, एक्चुअली बहुत ही, मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट बहुत ही मच बेटर लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने एक ग्लास पीस पकड़ा हुआ है। जैसे कि जब भी मैं कुछ मीडिया कंजम्पशन यूट्यूब में वीडियोज़ वॉच करता हूँ, तो बहुत ही मस्त फील होता है मुझे ओवरऑल। तो बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं फुल व्यू देख रहा हूँ। तो एंड ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट कम्स द प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 855 इज द मेन थिंग जिसके लिए मैंने ये रेडमी K20 Pro परचेस किया, क्योंकि वन प्लस नॉट में आप जानते हो ना स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिल रहा है। तो अगर आप इस दोनों के कंपेयर हम नहीं कर सकते, वो एक्चुअली एक मिड रेंज प्रोसेसर है, बट रेडमी K20 Pro का स्नैपड्रैगन 855 एक लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो एक्चुअली आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट डेली लाइफ में थोड़ा कम मिलेगा, बट दूसरा हैवी उसमें थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो डेली लाइफ की बात नहीं करेंगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म यूसेज के बारे में बात करो तो भी ना गाइस, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 आपको 2 से 3 से 4 साल तक भी आपको बिना लैग के यूज़ कर सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आने वाला। बट स्नैपड्रैगन 765G मिड रेंज प्रोसेसर है, तो 1-1.5 साल के बाद आपको लैग दिखाई देने स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको K20 Pro प्रोसेसर बेस्ट है। तो अगर आप एक हैवी यूज जैसे कि गेमर हो या कोई वीडियो एडिटिंग सब करते हो, तो तब तो स्नैपड्रैगन 855 बहुत ही बेटर है, क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 855 बहुत बेटर परफॉर्म करता है। तो एक्चुअली आप इस कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअली फिर नेक्स्ट टर्म अगर मैं बात करूँ, तो पर्सनली मैं वन प्लस नॉट नहीं यूज़ किया, बट मैं वन प्लस 70 यूज़ कर चुका हूँ। बट जो उसका ऑक्सीजन OS है ना, उसके बारे में आगे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली इसका जो UI है ना, MIUI, यही एक मेन दिक्कत देता है। एक्चुअली जो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते MIUI, क्योंकि बहुत ऑप्टिमाइज भी नहीं है ROM। तो आप जानते हो ना MI का बहुत ब्लॉटवेयर्स भी भरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि कोई कार्टूनिश यूज़ कर रहा हो, तो उतना भी एक एलिगेंट बोलते ना, एक मिनिमल फील नहीं आता। ऐसा लगता है मेस्ड अप UI फील होता है, बहुत ही हैवी UI है। तो इसमें भी आपको बैटरी ड्रेन नहीं होता, बट जो रैम मैनेजमेंट है ना, बहुत ही इशू करता है। तो ऐसा है, बट इसका जो ऑक्सीजन OS है ना, उसके बारे में तो आप बहुत जानते होंगे। ऑक्सीजन OS बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड एंड बहुत ही क्लीन UI। तो उसमें आपको फीचर्स मिलेंगे और बहुत सारे अपडेट देते रहता है वन प्लस, जाके कैमरा इम्प्रूवमेंट करता है। तो ओवरऑल वन प्लस ओवरऑल रिसर्च करके उसके UI को इम्प्रूव करता रहता है। तो वन प्लस का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। बट K20 Pro का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कस्टम रोम बहुत सपोर्टेड है। अगर आप कस्टम रोम के बारे में जानते हो, अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल करना जानते हो, तो आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जो K20 Pro का परफॉर्मेंस है ना, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन में भी, जैसे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम हो गया, बहुत सारे रोम मिलते हैं। तो अगर आप अगर नॉर्मल यूज़र हो, आपको कस्टम रोम के बारे में नहीं जानते हो, ज़्यादा टेक गीक नहीं हो, नॉर्मल इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, आपको वन प्लस नॉट में कोई इशू आने नहीं वाला, क्योंकि ऑप्टिमाइज UI है। ओवरऑल आपको एक ओवरऑल यूसेज आपको अच्छे से चलने वाला है। तो बट K20 Pro में आपको एक हैवी यूज़र हो तो आप K20 Pro पे जा सकते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमर हो तो जा सकते हो। तो टेक गीक लोग को मैं एक रेकमेंड करूंगा कि आप जानते हो ना, K20 Pro पे जा सकते हो, कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी बढ़ा सकते हो आप इसको कुछ ट्रिक्स करके। तो ऐसा है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, डेवलपर सपोर्ट। तो अगर एक नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, तो मैं आपको कैमराज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये डिवाइस का कैमरा, वन प्लस नॉट का कैमरा इस डिवाइस से बेटर है, क्योंकि वन प्लस नॉट में आपको OIS सपोर्ट मिल जाएगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो कि जब भी आप कोई वीडियो शूट करोगे तो आपका जो स्टडी वीडियोस आएगा, तो एक्चुअली उसमें बेटर है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी वन प्लस नॉट का कैमरा बेटर है, क्योंकि वन प्लस बेटर कैमरा प्रोवाइड करता है, तो जो भी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करता है। तो ऐसा है।
तो बट K20 Pro में आपको Gcam का सपोर्ट, गूगल कैमरा, तो उससे आप बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हो, आपको कैमरा परफॉर्मेंस में भी आप बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको कैमरा के लिए मैं कहना चाहूँगा कि OnePlus Nord थोड़ा सा बेटर है। कुछ चीज़ जो Redmi K20 Pro में मिसिंग है और OnePlus Nord में मिल रहा है, वो जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो है फर्स्ट थिंग इज 30W फास्ट चार्जिंग, जो कि OnePlus Nord में आपको मिल जाता है। इसमें 18W फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि ओवरऑल ओके, बट OnePlus Nord का फास्ट चार्जर बहुत ही बेटर है, तो उसके मामले में मुझे थोड़ा सा ये लगा। और एक्चुअली दूसरा थिंग OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, तो उसमें आपको मिल जाता है, इसमें देखने को नहीं मिलता। मेरा वीडियो बनाने का यही है मैं कि मैं कहना चाहता हूँ Redmi K20 Pro का जो प्रोसेसर है और OnePlus Nord का जो प्रोसेसर है, वो एक्चुअली बहुत डिफरेंस देता है। एक्चुअली आपको रो परफॉर्मेंस में, गेमिंग में एंड वीडियो एडिटिंग में बहुत डिफरेंस महसूस होगा, और लॉन्ग टर्म यूसेज 1-1.5 साल भी आपको उसके बाद आपको डिफरेंस दिखाई देने स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आप बिल्कुल K20 Pro में जाइए। कस्टम रोम सब इंस्टॉल करना जानते हो तो तब तो आप K20 Pro। अगर आप डिवाइस को नॉर्मली यूज़ करते हो, कैजुअली, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको कुछ अच्छे कैमराज चाहिए, आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, कुछ गुड बैटरी लाइफ चाहिए, तो नॉर्मल, आप ज़्यादा कुछ हैवी डिवाइस के बारे में टेक गीक नहीं हो, तो आप कस्टम रोम इंस्टॉल करना सब नहीं जानते हो, तो आप बिल्कुल आपको OnePlus Nord पे जाइए, क्योंकि उसमें आपको ओवरऑल पैकेज परफॉर्मेंस दे देगा इसके मुकाबले। तो फाइनली यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक मार लो। थैंक यू।